ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई का माह यानी मई का महीना 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले एक नज़र ग्रह गोचर के ऊपर। सूर्य अभी आपके मेष राशि में चल रहे हैं, 14 तारीख को वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे और बुध आपके 1 तारीख से 26 तारीख तक तो वृषभ राशि में रहेंगे, मित्र शुक्र की राशि में, और 26 तारीख के बाद मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु यानी बृहस्पति आपके कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और शुक्र आपके 4 तारीख से 28 तारीख तक अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु आपके वृषभ राशि में और केतु आपके वृश्चिक राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। और एक बात आप खास जान लें, इस माह में कुछ बहुत शुभ योग घटित हो रहे हैं। तो माना कि कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 6.5 चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आपकी कुंडली में इस माह में कुछ योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। यानी शुक्र और बुध का एक साथ होना एक लक्ष्मी योग बनेगा, 12 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा और साथ में शुक्र का स्वग्रही राशि में केंद्र में होने से वहाँ पर एक मालव्य योग भी बनेगा। यानी 3 राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, लेकिन वहाँ पर 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश होने से बुधादित्य योग तो बनेगा, लेकिन वहाँ पर राहु भी हैं, लेकिन राहु उचकेल है तो सूर्य के साथ थोड़ी सी विस्फोटक स्थिति थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 योग बहुत शुभ वहाँ पर बन रहे हैं और इनका आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आप तरक्की करेंगे उन्नति करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे 2 विनती हैं। एक विनती तो यह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक इसलिए देखना जरूरी है कि माह में कुछ अशुभ तिथियां ऐसी घटित होती हैं जिसकी हम आपको जानकारी देते हैं, उन अशुभ तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहती है। और लास्ट में हम आपको थोड़े से श्रद्धा विश्वास के साथ थोड़े से उनको जो उपाय करने के लिए बताते हैं। अगर वो छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, उनका शुभत्व आपको प्राप्त होता है, निश्चित रूप से तो आप सक्सेस गेन करते हैं। ये जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका अपना महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। यह चंद्र राशि के ऊपर गोचर ग्रह जो भ्रमण करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी लगन कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली वह मेन होती है, आपकी लाइफ का आधार है, बेस है, तो अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण इसके साथ साथ एक बार आपको जरूर कराना चाहिए। तो जब आप अपने ग्रह गोचर जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित हैं और आपकी जन्म कुंडली के आप ग्रहों की स्थिति का अवलोकन कराते हैं, उसका विश्लेषण कराते हैं, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं और फिर आप थोड़े थोड़े उपाय करने से आपको ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होता है, जो दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो एक बार विश्लेषण कराएं, हमसे कराना है हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके फ़ोन पर आप हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं या फ़ोन पर भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और थोड़े थोड़े उपाय करने से आप ग्रहों के छोटे छोटे उपाय होंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर शनि की मत चढ़ती हुई अभी 6.5 जो कि आपके सिर के ऊपर है, तो यहाँ पर यह स्थिति थोड़ी ख़राब करके तो रखी हुई है शनि ने आपके लिए, चूँकि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, शारीरिक और मानसिक कष्ट, चारों तरफ से कष्ट और परेशानियाँ। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही तो इसके फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और वहाँ भी दशा अंतरदशा फेवर में नहीं है तो यहाँ अब स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल चल रही है। लेकिन मई के महीने में ये कुछ ग्रहों का जो ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ से आपको काफ़ी राहत, काफ़ी शांति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपके 4th हाउस में ही, केंद्र में ही बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने बताया, एक मालव्य योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। तो पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न,
शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, थोड़ी ऊहापोह उठापटक की स्थिति रहेगी। आपकी तो इच्छा शक्ति वह थोड़ी कमज़ोर होगी, कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर थोड़ी वीक पड़ जाएगी और अचानक से थोड़ी हेल्थ इश्यूज, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी बनते, कामों में अड़चन, रुकावटें, ये थोड़ी यहाँ पर क्रिएट आपको हो सकती है। उसके बाद आपके धन परिवार की बात करें तो यहाँ एक अच्छी स्थिति है कि परिवार वालों को आपको भरपूर सहयोग लाभ मिलेगा, इससे पहले कोई डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे और उनका पूरा सहयोग आप प्राप्त करेंगे और आपके धन कोष में आपको फाइनेंशियल लाभ भी परिवार वालों से मिल सकता है और आपका जमा धन बैंक बैलेंस उसमें आपकी वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ स्थिति आपके पक्ष में है। थर्ड हाउस में सूर्य आपके 14 तारीख तक उच्च के रहेंगे, ये अच्छी स्थिति है। तो आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी वृद्धि होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी, आपके नौकर चाकर उनसे लाभ मिलेगा, आपके शुभ चिंतक, वेल विशर उनका लाभ आपको प्राप्त होगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आपके भाई बहनें उनका लाभ मिलेगा। लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मकता के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। 14 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति आपके अपोजिट थोड़ी हो जाएगी, आपके विपरीत जाएगी। यह सब जो बताया हमने, यहाँ शुभ फलों के बजाय इसके थोड़े अशुभ फल, इसके विपरीत फल आपको फिर मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 14 के बाद तो आपका सूर्य का जो ट्रांजिट है वह फिर आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा, तो इसलिए, और मंगल भी आपके फिफ्थ हाउस में चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस लूज होना, अनजाना डर, अनजाना भय, निगेटिविटी, नकारात्मकता, छोटे भाई बहनों से उसके बाद फिर नुकसान, यानी मिड के बाद कर्मचारियों से कोई धोखा नुकसान, मिलने जुलने वालों से कोई प्रॉब्लम्स, तो समस्याएं, फिर मतलब ट्रैवलिंग से छोटी मोटी यात्राओं से नुकसान, ये सब चीज़ें उसके बाद क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे। वह उपाय अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप 80-90% तक आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको उनका शुभत्व प्राप्त होगा। हमारा काम आपको रास्ता दिखाना है। ज्योतिषी गुरु एक इमीडिएटर, एक माध्यम होता है, वह आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ता है। बीमारी हम आपको बता रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर बताएंगे, लेकिन करना आपको है। और जितना श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपको उनको शुभत्व प्राप्त होता है। उसके बाद फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ आप स्थिति काफ़ी अनुकूल है, फेवर में है। अचानक से आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, संतान से लाभ। अगर किसी संपत्ति को लेकर, मकान को लेकर, वाहन को लेकर कोई अड़चन है, क्या कोई व्यवधान आपके आ रहे थे, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वह सॉल्व हो जाएगा और आपको अचानक से मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी, आपको मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, आपकी माता जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, सुख सौहार्द का माहौल। बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंसेज आ सकता है, चूँकि सूर्य के ट्रांजिट करने के बाद थोड़ा ग्रहण दोष, अंगारक दोष भी बनता राहु के साथ, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि वहाँ शुभ स्थिति ग्रहों की ज़्यादा अच्छी बन रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर निश्चित रूप से वांछित फल प्राप्त होंगे, तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और इन सब चीज़ों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो थोड़ा प्रयास कीजिए, स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में, आपके फेवर में। उसके बाद संतान की दृष्टि से आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी। अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, उन्नति, कोई स्वास्थ्य खराब था स्वास्थ्य में सुधार, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी और आपके संतान से आपको पूरी संतुष्टि, पूरा सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री लेनी है, मास्टर डिग्री लेनी है तो आप प्रवेश लीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन वहाँ समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, स्थिति आपके पक्ष में जा रही है।
नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन ये नौकरी लगने के योग भी बन सकते हैं आपके, और नौकरी में तरक्की उन्नति। थोड़ा बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें, नहीं तो किसी से जिनके ऊपर विश्वास करते हैं तो वह शत्रुता निभा सकता है पीछे से, और थोड़ा शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। हल्का फुल्का तब कोई कर्जे की स्थिति हो सकती है, या कोई छोटी मोटी आपको बीमारी, कोल्ड कफ फ्लू या कोई इन्फेक्शन, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। इसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 14 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति है, अचानक से विवाह शादी के संबंध बन जाएंगे, आपकी विवाह शादी के योग बन रहे हैं, और अगर आप पहले से विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। पति पत्नी में त्वचा आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहने वाली है, और ख़ास तौर से यह स्थिति आपकी 14 तारीख तक तो बहुत अच्छी है, कोई मतभेद डिफरेंसेस से आपके दूर होंगे, लेकिन 14 के बाद थोड़ी संभलने की ज़रूरत है, थोड़ी उत्तेजना थोड़ी उग्रता आपके अंदर आएगी, तो थोड़े आर्ग्यूमेंट से बचें, नहीं तो थोड़े लड़ाई झगड़े 14 तारीख के बाद, फिर यानी मिड मई के बाद थोड़ी स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो थोड़ा संयम बरतें, शांति बरतें, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल हो जाएगी। तो यहाँ पर, और अगर कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, तो 14 तारीख तक कर लीजिएगा, 14 के बाद फिर उसको एक महीने के लिए टाल दीजिए, नहीं तो फिर आप किसी प्रॉब्लम में, आप दिक्कत में आ सकते हैं। अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी किसी गुप्त धन की प्राप्ति, ब्लैक मनी, अगर आप जुए सट्टे से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का कार्य है, टैक्स चोरी का कार्य है, तो आपको बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, गुप्त धन आपको मिल सकता है। और कोई रिसर्च कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जो वैज्ञानिक हैं कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप किसी भी कार्य में कोई शोध कर रहे हैं तो उसमें आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्येश मूल त्रिकोण के स्वामी शुक्र आपके केंद्र में स्वग्रही राशि में मालव्य योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत शुभ और बहुत अच्छी स्थिति है, तो इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आप यहाँ लाभ गेन करेंगे और तरक्की करेंगे, आपको भाग्य उन्नति के अवसर दे रहा है, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, लंबी यात्राएं, दूर पार देश की यात्राएं, लंबी ट्रैवलिंग, किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं क्या आपकी संपन्न होंगी, भाग्य आपको साथ देगा। तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, पूजा पाठ में आपका ध्यान लगेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको मिलेगा। और साथ में कैरियर की दृष्टि से अगर बात करें तो थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप लाभ गेन करेंगे, थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन फिर भी आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन जो जातक नौकरी करते हैं वहाँ तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ी संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको कार्य व्यवसाय आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, थोड़ा संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लाभ भाव की दृष्टि से स्थिति काफ़ी अनुकूल है, आपके जो इनकम के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम अब तक आपका बंद हो गया था, या पैसा रुका रहा था, आपका अटक रहा था, वह सुचारू रूप से धन का आगमन शुरू हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, और अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, मेल फीमेल, स्त्री या पुरुष, खास तौर से जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली लाभ सपोर्ट मिलेगा, और धन का आगमन आपके ऊपर आपके पास सुचारू रूप से तो स्टार्ट हो जाएगा, और लक्ष्मी की आपको धन की प्राप्ति होगी। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है आपका, या फिर अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर आना जाना रहता है, ट्रैवलिंग के थ्रू, यात्रादि के थ्रू कोई कार्य है, या तो आप बिजनेस या कोई नौकरी करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, वहाँ से आप लाभ प्राप्त करेंगे, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा, और आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपके संबंध बढ़ेंगे बिजनेस के, और रुका हुआ धन की भी प्राप्ति होगी। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। ऑल ओवर देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए 37.5 छटन तो डिस्टर्ब जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी मई के महीने में जो ग्रह गोचर की स्थिति है, ये आपको थोड़ा फेवर करने वाली है,
तो यह आपकी लग्न कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ ग्रहों की क्या स्थिति है, तो उसका एक बार अवलोकन करा लें, उसका विश्लेषण करा लें, तो आपको शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलेंगे और आप उनके ग्रहों के दुष्प्रभावों से उपाय करने से बच जाएंगे। अब आपकी अशुभ तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो अशुभ तिथि हैं 12, 13, 14, इसमें भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई करे विक्रय कोई कार्य मत करें, कोई डील मत करें, नए मकान में प्रवेश मत करें, नई गाड़ी घर में मत लाएं 12, 13, 14, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। उसके बाद फिर आपकी हैं 22, 23 तारीख को आपको क्या करना है, इसमें आपको घर से निकलते हुए सावधानी बरतनी, कोई वाहन चलाते हुए टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हुए थोड़ा ध्यान देना, कोई चोट फेट एक्सीडेंट ये क्रिएट हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा सावधानी बरतें, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, बड़ा नुकसान लॉस हो सकता है। उसके बाद की तारीखें जो आती हैं आपकी 2, 3, 4, 2 तारीख को आपको लगभग आप मान के चलिएगा कि 2:45 से और 3, 4 का संपूर्ण दिन, तो इसमें आप यात्रा दी से बचें, ट्रैवलिंग से बचें, नहीं तो कोई लॉस नुकसान आपको हो सकता है, लेन देन से बचें, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी की तारीखों से बचें, नुकसान हो सकता है। अब हम आपको उपाय की बात करते हैं, तो देखिएगा आपके जो मेन उपाय जो बनते हैं यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए 2 उपाय बनते हैं, शनि का और मंगल का। तो ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप प्रतिदिन कीजिए और साथ में उसके बाद मंत्रों के बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुं सुरभू, ये जो लास्ट का दोहा है इसको 27 बार बोलिए, 1.5 मिनट लगेगा, और फिर एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, जहाँ हनुमान चालीसा समाप्त होती है वहीं वह पाठ स्टार्ट हो जाता है, तो 2 पाठ कीजिए और जो लास्ट का दोहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप वाला इसको कम से कम 27 बार बोलिए और हनुमान जी की आरती कीजिए, ये कीजिए। मंगलवार शनिवार को प्योरिटी से शुद्धता से रहिए और पीपल के वृक्ष पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं जय शनिदेव कहते हुए, और तिल के तेल का दीपक जड़ाएं, 3 प्रदक्षिणा करें, घर वापस आएं और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मंगलवार को जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, वहाँ पर लाल बूंदी का प्रसाद उनको चढ़ाएं, और पॉसिबल हो सकता है तो केसरी सिंदूर चमेली का तेल लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नीचे से ऊपर तक हनुमान जी को आप तो उनको चोला चढ़ाएं, और मंगल शनिवार को शुद्धता से प्योरिटी से निश्चित रूप से आप शनि और मंगल के जो दुष्प्रभाव आपको यहाँ देखने को मिलेंगे उनसे आप बच जाएंगे और उन ग्रहों का भी आपको शुभत्व प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और हनुमान चालीसा पढ़ने से साढ़े सती आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वह भी शांत होकर बैठ जाते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो वैसे भी बहुत ज़रूरी बनता है शनि के उपाय करने के साथ साथ आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी का स्मरण, उन हनुमान चालीसा, ये जो दोहा बताया हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है, और साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, ये प्रतिदिन करें। मंगल शनिवार को अंडा मांस मछली का त्याग करें, प्योरिटी से शुद्धता से रहें, तो निश्चित रूप से आपको वांछित फलों के शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।